इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की तहसील बल्देवगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कैलपुरा में। हम आज आप लोगों की मुलाकात कराने जा रहे हैं उन वीर साहसी हिम्मती जावांज एवाओं के परिवारजनों से, जिन्होंने हाल ही में उत्तराखंड के उत्तराकाशी में स्थित सिलक्याला टनल में एक ऑपरेशन को में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब अत्याधुनिक मशीनों ने काम करना बंद कर दिया तो उस वक्त 12 रेड माइनस की टीम जो कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने में कामयाब रही, उन्हीं 12 जावांज में से हमारी इस ग्राम पंचायत के 3 जावांज जो कि इसी गांव के निवासी हैं। आइए हम जानते हैं उनके पिताजी से कि उनको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। सर पहले आप, मेरा नाम है रवि। आपको कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने इतना बड़ा काम किया है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इस गांव का नाम रोशन किया है? मुझे ये लग रहा है कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा कार्य किया है कि जो कि पूरे विश्व में ये पता है कि मैंने उसने अच्छा कार्य किया है। अब हम मिलाने जा रहे हैं राकेश लोधी के दादाजी से, जो कि उम्र में 80 के लगभग लग रहे हैं हमें। तो दादाजी, आपको पता है आपके नाती ने कितना बड़ा काम किया है? बहुत अच्छा काम। आपको खुशी हो रही है? मैं खुशी भाई। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं, सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे बच्चा खिलाने साधन दा जाए। तो दादाजी का कहना है कि हमें कोई मदद दी जाए सरकार की तरफ से। आइए अब हम बात करते हैं उनकी दादी जी से। दादी जी काफी बुजुर्ग महिला हैं। तो दादी जी कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लगा है, हमारे बच्चे ने बच्चों की जान बचाई। ए भगवान, उनको भलो हुए, हमारे बच्चा को भलो हुए, हमारे सरकार हमारे बच्चा खां जिंदगी सुधार बे खां कुछ भी साधन कह दे। हाँ, तो दादी जी का कहना है कि हमारे पोते ने बहुत बड़ा काम किया है, तो उनका सरकार से यही अपील है कि हमें कुछ पुरस्कार के रूप में कुछ राशि या फिर कोई हम लोगों को सम्मानित किया जाए। अब हम बात करते हैं इस टीम में जो सबसे युवा यानी कि जो 18 साल के लगभग उम्र है, भूपेंद्र लोधी, उनकी माताजी से बात करते हैं। आपको पता है आपके बच्चे ने कितना बड़ा काम किया? पता है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटा ने इतना बड़ा काम किया है। अच्छा, भारत भर में उसकी मतलब पहचान हो, आगे हम वो बड़े। हाँ, तो आपको ये पता है कि सबसे कम उम्र का है इस 12 सदस्यीय टीम में? हाँ, 18 साल का है, अभी तो वो वोट डाल के गया यही साल में। उनकी माता जी का कहना है कि जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें पहली बार मतदान करके और जो दिल्ली गए थे काम करने के लिए, उसके बाद वहाँ से उनको उत्तराखंड भेजा गया ऐसे ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए। आइए अब हम बात करते हैं राकेश लोधी जी की पत्नी से। आपको पता है मतलब आपके पति ने कितना बड़ा काम किया? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पति के द्वारा मतलब उस मजदूरों की जान बची। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे उनके हाथों के द्वारा मेरे पति के हाथों के द्वारा उनका अच्छा हुआ है, उनके बच्चे खुश रहे, वो भी खुश रहे और इसके बाद मेरे पति भी खुश रहे। मेरी यही कामना, मैं उससे ये भी मांगना चाहती हूँ शासन से कि मेरे पति को कुछ मिले या ना मिले, सम्मान मिले और कुछ उनकी कुछ पोस्ट को ऊँचा किया जाए, उनसे पोस्ट बढ़ाना चाहिए और मतलब लगातार उन्हें काम दिलाना चाहिए। तो उनकी पत्नी का कहना है कि सरकार के द्वारा कोई सम्मान दिया जाए, कुछ राशि उपलब्ध कराई जाए, साथ ही कंपनी के लिए जिसके लिए इन्होंने काम किया उस कंपनी में कोई बड़ा पद दिया जाए। तो हमने सभी लोगों से बात की और जाना बहुत ही खुश हैं। इन्हें पता है कि इनके बच्चों ने बहुत काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए, पूरी दुनिया में इन लोगों ने अपना डंका बजाया है। बुंदेलखंड 24/7 के लिए बल्देवगढ़ से मैं सुनील पाल। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।